प्यारे मित्रों अभिनंदन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीतगल है। मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी टेट का 2018 का पेपर जो 18 नवंबर में मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। इसकी मैं आपको यहाँ पे हिंदी की आंसर की दे रहा हूँ। ये 30 क्वेश्चन हिंदी में आए थे, 31 से लेकर 60 तक। इससे पहले हम इंग्लिश की आंसर की आपको दे चुके हैं, अब तक आपने वो मिला ली होगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर कोई क्वेश्चन गलत लिखता है तो हम उसे सही करके जरूर भेज देंगे। जो आज सुबह प्रथम पाली में पेपर हुआ फर्स्ट सेशन में, उसकी हमने डी सीरीज ली है। डी सीरीज का सोल्ड करके हम आपको दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज का जो भाग सेकंड में था, यह पुस्तक किसकी है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द यह कैसा परिचय देता है। यह शब्द सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष्य एक वचन स्त्रीलिंग है। इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होता है। संश्लेषण ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। दंते शब्द बोले जाते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। यह मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें आपको स्वर व्यंजन मैंने बताया था। अगर आपको ध्यान हो ये चार होते हैं। सो सहनसा भी आ जाए तो उनके पेट पटा से पेट फाड़ दूंगी। से छोटा से बड़ा से षटकोण और है। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 35th क्वेश्चन, अत्यधिक शब्द का विलोम क्या होगा। अत्यधिक शब्द का विलोम होगा अत्यल्प, बहुत ज्यादा कम। ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। रित का विलोम शब्द क्या है। रित अनृत इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अनृत रित अनृत सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में जो उपसर्ग होगा वो होगा सम से और आधा में, यानी जो ए के बिना बोला जा रहा है सम। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। इस वाक्य का वाच्य है भाव वाच्य, भाव बता रहे। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो ऑप्शन थर्ड होगा इसका, आत का अंतर नहीं होता ये ऑप्शन का, बाकी सब चीजें सही है। लुनाई लवण्यता लोंग लवंग आयसु आदेश, लेकिन आत को अंतर नहीं कहते। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। किस लेखक की रचना का जोड़ा गलत है। ध्यान से देखिएगा, ये बच्चे ना गलत करके आए कई सारे बच्चे। कई बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि उन्होंने इसे गलत कर दिया क्योंकि इसमें पूछा गलत जोड़ा। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये जोड़ा भी सही है, केवल गलत है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं लिखा, इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहां भी आप ध्यान से देखिएगा, पूछा गया कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये तीनों सही है, परिमल शिवराज भूषण शब्द रसायन तीनों सही है। गलत क्या है, उद्धव शतक जो पुस्तक है वो जगन्नाथ रत्नाकर ने लिखी थी। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा। फोर आंसर उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा जोड़ा गलत है। ये तीनों जोड़े तो सही है, चौथा जोड़ा दर्शन दिग्दर्शन गलत है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा है, इसे राहुल शंकरत्याग ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हां मेरा यही विचार है, हां के बाद कोमा लगना चाहिए था या कुछ गैप लगना चाहिए था। हां मेरा यही विचार है, इसमें विराम चिन्ह का लोप हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, मतलब तीनों एक से है। सनातन चिरंतन शाश्वत ये सारे आध्यात्मिक वर्ड है, अधुनातन नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये हमने डी सीरीज की बुकलेट ली है, आपके आंसर उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है। इस तरह से क्वेश्चन के ऑप्शन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, उन्हें आप मैच कर लीजिएगा। आर्वाचीन शब्द का विलोम है प्राचीन, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। गृहिणी गृहिणी नहीं कोई भी वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना है सही है। सबज बाग दिखाना गलत है। सबज बाग दिखाने का मतलब होता है सपने दिखाना, हरा भरा करना नहीं होता। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा।
मेरी भव पादा रो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में रूपक अलंकार है पुरानी किताब के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? इसमें भी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? प्राक, प्राक के यहां पे हलंत वाला है, यानी ए के बिना बोले जाने वाला है। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद पूछा गया है। बही जमा का ऑप्शन 1 इसका आंसर सही होगा। वैधई वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की रचना है वैधई वनवास। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? पहिया एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यहां पे पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये पैराग्राफ में देखिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो देखिए यहां पे आकर पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, ये आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़, प्रभावशाली भाषा है, इसमें कहीं भी अलंकरण नहीं दिया है। अलंकरण इसका सही आंसर होगा। संप्रेषण कला अलंकरण नहीं है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है 57 नंबर का क्वेश्चन, पैराग्राफ के आधार पर ही संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है क्लियरली, अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, यानी अभ्यास से संप्रेषण कला का विकास होता है। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो देखिए ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श्रेय श्रृंगार गेय ज्ञानी 6 क्षत्रिय त्रय त्रिशूल, इनके अलावा कोई भी संयुक्त व्यंजन नहीं होता। तो यहां पे ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ये रे ले वे, अंतस्थ व्यंजन होता है ये। इसका ऑप्शन 2 सही होगा। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, 5 वीडियो मैंने स्वर व्यंजन की डाली हुई है, उससे आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिले। अगर आप वो देख लेते तो बड़ा अच्छा रहता। तो अगली बार जब भी आपका कोई एग्जाम हो, यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, A to Z करिए, तुरंत इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिल जाए और लगातार हम आपको रोजाना नई वीडियो देते। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में बहुव्रीहि समास है। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में अलम शब्द का प्रयोग हुआ है, ये एक उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए आपने हिंदी की और इंग्लिश की मिला ली होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल वाला आइकन भी दबा दें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो तुरंत मिल जाए। बाकी 3 वीडियो भी मैथमेटिक्स की और आपका चाइल्ड पेडागोगी की और एनवायरमेंटल की भी मैं जल्द डाल रहा हूं, आप मिला लीजिए। तब तक आप हिंदी इंग्लिश के मिलाइए, और ये सबसे सटीक आंसर हमने देने की कोशिश की है। फिर भी कोई आंसर गलत हो गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सही कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू।